बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलवंजी के देसी तिब्बी फ़ायदे। कलवंजी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते सुना कि कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद भी तिब्बी ज़रूरियात के लिए कभी कभी कलवंजी खाया करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसे शहद के शरबत के साथ नोश फरमाते थे। खालिद बिन साद बयान करते हैं कि मैं गालिब बिन जबर के साथ सफ़र में था, वो रास्ते में बीमार हो गए। इब्ने अभी अतक जो कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भतीजे थे, उन्हें देखने के लिए आए। मरीज़ की हालत देखकर उन्होंने फरमाया कि कलवंजी के 5-7 दाने पीस लो, फिर उसे जैतून के तेल में मिलाकर नाक में दोनों तरफ डालो, क्योंकि हमें हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते थे कि उन काले दानों में हर बीमारी से शिफा है। मगर साम से मैंने पूछा, साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मौत और कलवंजी घर की मुहाफिज। कलवंजी के दर्जा ज़ैल फवायद। नंबर 1, कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गरम सर पर लगाने से नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 2, कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3, कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। नंबर 4, पानी या पीसी हुई कलवंजी के गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगी में वर्म रफा हो जाता है। नंबर 6, कलवंजी की धुनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। नंबर 7, कलवंजी को सिरका में मिलाकर बर्स या फुलबेरी पर लगाने से बर्स दूर हो जाता है। नंबर 8, कलवंजी की एक चुटकी 8-10 कतरे खालस शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज़ सुबह के वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। नंबर 9, कलवंजी का तेल ख़ारिश वाली जगह पर लगाने से ख़ारिश दूर होती है। दोस्तों, इसे सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ भी शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।